श्रृंखला में आप सब दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से आपको पता है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति पिछले कई दिनों से बनी हुई है, जिसके बाद कई सामाजिक सियासी कारकुन सामने आ रहे हैं जो गरीबों में राशन बांट रहे हैं या कोई बाकी चीजें भी उन तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, या चाहे वो कोई और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्लेटफॉर्म हो, हर जगह पे ये प्रचार किया जाता है कि अगर चैरिटी पे कोई चीज दी जाती है तो उसकी फोटोग्राफ क्यों अपलोड की जाती है। हम जेके लाइव भी इस मुहिम के खिलाफ थे, हमेशा ये फोटोग्राफ फेसबुक पे डालने, ट्विटर पे डालने, यूट्यूब पे इस चीज की वीडियो अपलोड करने के खिलाफ हमेशा रहे हैं। चर्चा पे आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सोफी मोहम्मद यूसुफ। सोफी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जेके लाइव में। जैसे जेके लाइव का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे लाइव लिया है, आपके लिए मैं बड़ा मशहूर हूँ। बताइए सोफी साहब, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के शुरू हुआ, तो हमने देखा कि आप कई जगहों पे जाके, खुद मैंने देखा, कई फोटोग्राफ्स आपके फेसबुक पे देखने को मिले, आप जाके गरीबों में राशन बांटते हैं या बाकी चीजें करते। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जुबानी जो पूरी प्रोसेस आपने अभी तक की वो बयान करें प्लीज। देखिए, जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने साथ में लॉकडाउन के साथ साथ ये भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया था, जेपी नड्डा जी ने जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, कि वो हर जगह कार्यकर्ता अपने घरों से निकाल के कोई गरीब जो है वो भूखा न रहे। और हमने पूरे कश्मीर घाटी में ये अभियान शुरू किया है और लगभग आज 10 दिन हो गए हैं। 10-12 दिनों में हमने बहुत मुख्तलिफ जगहों पे राशन बांटा है। जैसे बाहर के बहुत सारे माइग्रेंट यहाँ पे हैं, लेबर माइग्रेंट जो है उनको हमने खाना खिलाया है, और जो गरीब या फैमिलीज है जो फार फ्लंग एरियाज में रहती है, हमने लगभग 85% गांव में सैनिटाइज किया है, और हमने म्युनिसिपल कम्युनिटी को साथ लेके वहां पे इलाका सैनिटाइज किया है। ये भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे कर रहे हैं। आज भी मैं इस वक्त जा रहा हूं, एक श्री गफारा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां 200 लेबर्स हैं जो बाहर के हैं, जो माइग्रेंट है, जो यहाँ मजदूरी करने के लिए आए थे और उनकी मजदूरी रुक गई है, उनको हम खाना खिलाने जा रहे हैं। अभी आपका रिपोर्टर मेरे साथ रहेगा, ये आपको दिखा देंगे, वहां के विजुअल्स भी दिखा देंगे। वहां 200 लोगों के लिए हमने खाना बनाया है, अभी मैं जा रहा हूँ और मेरी मिसेज भी उसमें साथ जा रही है, और वहां के कार्यकर्ता लगे हैं इस काम पे, और हर जगह पे हम इसका पालन कर रहे हैं, ताकि हमारे कश्मीर में ये सोफियों की वादी है, इसमें इसको सोफियों संतों की वादी कहते हैं, और ये भाईचारा का एक बहुत बड़ा एक मिसाल है। आज हम लोग भाईचारा कायम कर रहे हैं, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज होने के साथ साथ यहाँ मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है, और यहाँ एक गुलदस्ता है, हम भाईचारे में हर एक की मदद करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस जेपी नड्डा जी के साथ की, हमारे बीएल संतोष जी से, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की, जिस तरह वो कर रहे हैं, कि पूरे देश के रियासतों में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने कंट्रोल रूम्स बनाए हैं, वो कंट्रोल रूम्स जहां कोई कश्मीरी जम्मू कश्मीर का कोई किसी स्टेट का कोई कहीं फंसा हो, उनको वहां वो राशन पहुंचाते हैं। मैंने उनसे अपील की है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग बाहर स्टेटों में हैं, चाहे हमारे बच्चे जो वहां पढ़ने जाते हैं, चाहे कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, चाहे लेबर्स जाते हैं, हमारा शाल का बिजनेस यहाँ कश्मीर के लोग बहुत सारे वहां मुख्तलिफ हिंदुस्तान की रियासतों में कर रहे हैं वो है, और चाहे कोई बिजनेसमैन है, हर एक का ख्याल रखा गया है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश में, चपरासी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक
हम ये काम कर रहे हैं और लोगों की खिदमत में लगे। सोफी साहब, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप राशन गरीबों में बांट रहे हो तो उसमें हम भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन एक काम आप ऐसा कर रहे हो जिसपे जो गरीब तबका है वो आपसे काफी नाराज है, क्या आप बता सकते हो कि वो चीज क्या हो सकती है? नहीं, मुझे तो मेरी नोटिस में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि गरीब जो है, आपने सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने 3 महीने के लिए राशन यहाँ के गरीबों के लिए फ्री किया है। वो तो आप उसमें हमारे सर, वो तो दूसरा पहलू है इस तस्वीर का। आपको पता है कि गरीबों की भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, क्या मानते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल होती है। एक गरीब को आप चावल देते हो, उसकी तस्वीर फेसबुक पे देना, उसको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वायरल करना, आपको नहीं लगता कि ये उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट की तौहीन है? नहीं नहीं नहीं, ये हम उसकी जो है इज्जत करते हैं, अलबत्ता उससे एक मैसेज आती है पूरे देश के कार्यकर्ताओं को। अगर सोफी यूसुफ ने कहीं पे बांटा है, सोफी यूसुफ नायब सदर है यूटी का, और मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट क्यों ना बांटे, मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट क्यों ना बांटे, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट क्यों ना बांटे, और उस तरह से एक मैसेज आती है कि जहां जहां अब सोफी यूसुफ ही अकेला या नरेंद्र मोदी जी ही अकेला उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसी सोशल मीडिया की वजह से। आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता कि उस तरीके से जो आप, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा रहती है, जिनके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट एक बहुत माने रखता है, आपको नहीं लग रहा है कि कुछ उसकी वजह से जो फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फोटोग्राफ आप दे रहे हो उसकी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वो भूखे मरेंगे लेकिन आपसे राशन नहीं लेंगे, आपको नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, देखिए वो ऐसा नहीं है। जब कहीं देश में कहीं महामारी आती है तो फिर हमने सबने एक होना है, हमने एक दूसरे की मदद करनी है, उसमें मेरी भी कोई मदद करे मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ महामारी चल रही है, हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, हम अपने लोगों को बचाना चाहते हैं और हम अपने लोगों में प्यार बांटते हैं, और यही प्यार हम सोशल मीडिया में डाल के बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं कि वो भी इस प्यार में प्यार नहीं है। सोफी साहब, ये प्यार नहीं है, खिलवाड़ है उनकी इज्जत के साथ, आप समझे? नहीं, ये तो आप समझते होंगे, ये तो आप, क्योंकि सर मैं आपको बता दूं कि मैंने 4 दिन पहले हमने अपने पोर्टल पे एक फोटोग्राफ डाली थी जिसमें से कुछ लोग जो है वो राशन तैयार कर रहे थे डूरू शाहबाद में एक फोरम, आप जब हमने वो पोस्ट डाला तो हमें उस पर माफी मांगनी पड़ी फिर लोगों से कि हमने ये पोस्ट अपलोड किया, जबकि उसमें किसी की भी तस्वीर, किसी राशन लेने वाले की तस्वीर नहीं थी, किसी गरीब की तस्वीर नहीं थी। हर दिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आज आप देखिए यही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि अगर आप किसी गरीब की मदद कर रहे हो तो खुदारा वो आप ना डाले, मेहरबानी करके ना सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ना डाले, क्योंकि इसमें हर जगह इज्जत होता है उनको सोसाइटी में नीचे नजरिए से देखा जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये, देखिए मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हूँ, देखिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, बट अगर किसी सोफी साहब आवाज आपकी कट रही है, हमने आपको नहीं, मैंने कहा कि हेलो, आप अभी सुन पा रहे हैं? आ रही है, बताइए। मैंने कहा हम ऐसा नहीं, हम तो एक पॉलिटिकल वर्कर होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी है, और अगर हमारे इस सोशल काम से किसी को एतराज हुआ हो या किसी को बुरा लगा हो हम क्षमा चाहते हैं, बट एक पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत के नाते हम बाकी पॉलिटिकल वर्करों को ये बताना चाहते हैं कि आप भी लगिए सोशल वर्क में और हम भी लगेंगे। पॉलिटिक्स जो है वो साइड पे रखनी चाहिए, इस वक्त वैसे थी इंसानियत आप सड़कों पे आई है, आप वैसे थी इंसानियत उन लोगों के लिए मदद करने के लिए, आप एक इंसान है, आप एक सोशल वर्कर है, आप पॉलिटिक्स इस वक्त साइड में रखिए। पॉलिटिक्स हमने कहा किया, आपने नहीं देखा कि हमने कहीं पे अपना जला पॉलिटिकल ठीक है, देखिए हमने अपना नहीं, मैंने कहा बात देते हैं कि आप पहले इंसान हो जो गरीबों के लिए राशन लेके आए, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है सर, आज की बात ये नहीं है। जब यहाँ फ्लड आया था 2014 में भी मैंने पूरे हिंदुस्तान के संस्थाओं से भीख मांगी थी खुद जी। मैंने उनको दिया, मैंने कहा कि मेरे अपने लोग जो है बाढ़ में फंस गए हैं, आपने उस वक्त भी देखा
2014 में मैंने बहुत गांव में जाके राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि मैं एक ह्यूमन बीइंग होने के साथ, लेकिन ह्यूमन बीइंग होने के साथ साथ वर्किंग साइट्स पे फोटोग्राफ डालना आपका ठीक है या गलत है? इस मुझे सिर्फ नहीं, देखिए एक तरफ से, देखिए एक तरफ से मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे दिल में कलमे नबी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हमारा मजहब साथ इसको नहीं देता है कि आप किसी गरीब को खाना खिलाओ फिर उसको सोशल मीडिया में डाल दो, इसको मना किया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक। बट यहाँ क्या है कि आपने देखा 5 अगस्त के बाद पूरे कश्मीर घाटी के लोग, पूरे चाहे वो गरीब है अमीर है, परेशान कर्फ्यू में रहे, परेशानी में मुब्तला रहे, यहाँ ऐसे साधन अभी तक नहीं है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो यहाँ डेवलपमेंट शुरू होने लगी है, और यहाँ हम 30 साल से पीस रहे हैं, और इसलिए अगर मैं कोई एक्टिविटीज करता हूँ तो वो फिर सोशल मीडिया में डाल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे 5 लाख कार्यकर्ता जो कश्मीर घाटी में है वो भी मेरी तरह ही काम करें। अलग है और चैरिटी में देने के लिए वो बात अलग है, आप कहीं पे काम करेंगे हम उसकी अप्रिसिएशन, हम कवरेज आपकी चलाएंगे, लेकिन जब एक गरीब की इज्जत उछाली जा रही है वहां पे आप बताइए, वो बूस्ट करने की बात नहीं है, वहां पे पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, आप करिए, आप हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप बार बार ये चीजें कर रहे हो, लेकिन चैरिटी वही है ना, देखिए 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 समझिए इस बात, इनका नाम क्या है, रूप साहब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी मैं श्री गुफारा जा रहा हूँ वहां भी 200 एक मिनट पहले मेरी लेट मी कंप्लीट अभी मैं श्री गुफारा जा रहा हूँ, वहां 200 बिहारी लोग हैं जो मध्य प्रदेश से आए हैं, यूपी से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, बंगाली आए हैं, पंजाब से भी हैं, वहां मेरे से पहले ही मीडिया, सुनिए सर, रूप साहब सुनिए, मेरे से पहले ही वहां मीडिया पहुंच गया होगा, और जब वहां मीडिया ने कवर, एक मिनट एडवाइस करिए ना, वो उस तरीके से मेरी बात सुनिए, जब मीडिया ने शाम को टीवी पे दिखाया कि सोपी यूसुफ गया, इन्फॉर्म कौन करता है कि आपके प्रोग्राम के बारे में? देखिए पता चलता है, मीडिया बड़ा यहाँ एक्टिव है, मुझे बताइए, हमारा कैमरामैन आपके पास लाइव करने के लिए आया तो उसने, आपने ये बोला स्टार्टिंग में ही कि मैं आपके कैमरामैन को साथ ले जाऊंगा? नहीं, मैं आ गए हैं ना, ये तो आ जाएंगे, देखिए हम जब कहीं प्रोग्राम कोई करते हैं तो मीडिया को इंफॉर्मेशन, हम अब पीसीआर को, एक मिनट पीसीआर सर जो भी होंगे हम उसके साथ हैं, हम आपकी पीसीआर को जब करते हैं, लेकिन चैरिटी शो जब भी हम कुलियत, रूप साहब बात सुनिए, रूप साहब आप मेरी बात भी सुन रहे हैं, जी बोलिए, जब मैं कहीं बाहर निकलता हूँ ना, मुझे लॉग देना पड़ता है, लॉग क्या होता है कि मैं सिक्योरिटी श्रीनगर को, पीसीआर अनंतनाग को, पीसीआर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन पीसीआर को इन्फॉर्मेशन शाम को हम देते हैं कि कल मेरा विजिट है, और वही लीक हो जाता है तो मीडिया वाले उसको कैच कर लेते हैं, और जब मैं पहुंचता हुआ तो मेरे से पहले मीडिया पहुंच गई होती। मीडिया की बात आप छोड़िए, मीडिया की भी अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, उनसे पूछा जाएगा, लेकिन रूप साहब मैं वही कहने जा रहा था, जब मीडिया वहां पहुंची, आपने शाम को जब चैनलों पे दिखाया कि आज सोफी साहब ने वहां 200 लोगों में खाना खिलाया, उसके बाद जब आपने देखा तो हम उसके बाद अपने सोशल मीडिया में भी चलाते, इसमें कोई दोरा ही नहीं है, मैं नहीं मानूंगा, मैं गलत नहीं कहता, अनंतनाग से ऑपरेट करते हैं, मैं अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बात करूंगा, जितने भी मेंबर हैं वो सब प्रोफेशनल लोग हैं, और उनको जहां तक मैं देखता हूं वो प्रोफेशनली हर एक कवरेज करते हैं, जिसमें इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा जाता है, कभी किसी का चेहरा नहीं लाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, डोनेशन लेने वाला अफराध होगा उसका चेहरा कभी भी नहीं आएगा, इन चीजों का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। नहीं, ये तो सही आपने कहा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर पीछे आपकी कोई गलती हो चुकी है तो आगे से आप इस तरीके से, अगर आप अपने काम की फोटोग्राफ डालोगे भी, लेकिन उन अफराध की फोटोग्राफ कतई नहीं डालोगे जो आपसे सामान ले रहे हैं। नहीं, उनका फोटोग्राफ हम नहीं डालते, उनके चेहरे नहीं हम दिखाते हैं, जब भी आप मेरी आप मेरा सोशल मीडिया चेक कर लो, आप मेरा सोशल मीडिया चेक करो रूप साहब, उनके उनकी शक्ल हम नहीं दिखा रहे,
कल मैंने यहाँ पे लेडीजों को खाना खिलाया, उनको मास्क में लगी थी, फिर मैंने जब आपसे वेबसाइट पे चला लिया उस वक्त मैंने उसका हाथ आगे रखा। तो फेसबुक वाल से कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं आपके फेसबुक वाल से। अच्छा अच्छा, हमने आपसे ही, हमने क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हो लेकिन दूसरी तरफ से आप लोग नाराज हो रहे हैं, तो इसी अच्छा, के हमने सोचा कि आपको हम इस बात के लिए अवेयर करें ताकि आगे ये गलती ना हो जाए। नहीं, बहुत अच्छा आपने बोला, मैं आपका इस बात का बिल्कुल एहतराम करता हूँ और मैं आपकी वसादत से अवाम तक एक और बात पहुंचाना चाहूंगा। अगर मेरी वजह से किसी गरीब को ठेस पहुंची होगी कि सोफी साहब ने हमें खाना खिलाया फिर मीडिया में दिखाया, मैं माजरत का हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सोफी साहब, उम्मीद करते हैं कि आप आगे से ये जो प्रोग्राम आपका है जारी रखेंगे, लेकिन फोटोग्राफ आप अपने फेसबुक के इंशाल्लाह जारी रखेंगे जब तक कोरोना वायरस सुनने के लिए, जब तक कोरोना वायरस यहाँ से भागेगा नहीं तब तक सोफी यूसुफ शान बशाना अपने गरीबों के साथ है, अपने अपने कश्मीरियों के साथ है और अपने लोगों के साथ है, अपने देश के साथ है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सोफी मोहम्मद यूसुफ जिन्हों ने उन लोगों से माफी मांगी जिन तक इन्होंने आज तक राशन पहुंचाकर उनकी फोटोग्राफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डाली, उनसे उन्होंने माफी मांगी और उम्मीद करते हैं कि ये आगे ऐसे फोटोग्राफ्स नहीं डालेंगे। आपके लिए एक और खुशखबरी है कि जेके लाइव ने यूट्यूब पर भी अपनी एक चैनल खोली हुई है और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप यूट्यूब पर भी हमारा पेज, हमारी चैनल सब्सक्राइब करें।